मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में समाज सेवी एवं युवा भाजपा नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव द्वारा आयोजित वीरांगना सम्मान समारोह में मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की 30 वीरांगनाओं व पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह डॉक्टर अंजलि यादव के मुख्य आतिथ्य और पूर्व सैनिक लीग अध्यक्ष कैप्टन हजारीलाल गुजर की अध्यक्षता और भाजपा जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंजलि यादव ने कहा कि वीरांगनाओं का सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है और सीमा पर एक फौजी दिन रात ड्यूटी देता है, उनकी बदौलत ही हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। इस अवसर पर समारोह में शहीदों के परिजनों और वीर नारियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। था वो जो हमारे शहीद हैं देश पर जो जिन्होंने शहादत दी, देश के लिए शहादत दी, उनकी वीरांगनाओं को उनके त्याग को सम्मानित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है। मेरे पिताजी यानी कि मेरे जो ससुर साहब हैं, मैं जिनकी पुत्रवधु हूँ, वो खुद भी फौजी रहे हैं, तो मुझे फौजियों के प्रति बहुत श्रद्धा है, श्रद्धा भावना है मेरी। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं खुद भी जानती हूँ कि एक देश की रक्षा करना कितना बड़ा काम होता है। ये महज एक नौकरी नहीं है, ये फौज की नौकरी हो गई, ये जिंदगी का जब सवाल होता है। हम जब देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, हमें मालूम है कि हमारे जो सैनिक हैं वो अपनी जान पर खेल कर देश की रक्षा करते हैं, उन्हें देश के साथ प्यार होता है, देश से मोहब्बत होती है, इसलिए वो देश की रक्षा करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आज कितनी वीरांगनाओं का सम्मान किया? आज मेरे ख्याल से 25 से 30 वीरांगनाएं थी यहाँ पर जो मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, उनका हमने सम्मान किया है।